वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में देश दुनिया से पधारे आयुष क्षेत्र के सभी विद्वान। वर्ल्ड आयुर्वेदा एक्सपो जिसमें 35 से ज्यादा देशों के लोगों ने हिस्सा लिया है और सभी का एक ही मकसद है आयुर्वेद, जो कि सबसे पुरानी पद्धति रही है, चिकित्सा पद्धति रही है भारत की, उसे वर्ल्ड लेवल तक ले जाना। और उसी क्रम में हमारे साथ हैं एके शर्मा जी, जो कि प्रवेग के मार्केटिंग हेड हैं, और वो हमें बताएंगे कि यहाँ उनके आने का क्या मकसद है, क्या विजन है और इससे क्या फायदा मिलेगा आयुर्वेद को। सर, आप बताएं कि क्या विजन और मिशन के साथ आप आए हैं और क्या वैलिडेशन होने वाला है। ओके, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम लोग आयुर्वेद की इस फील्ड में 26 साल से हैं। हमारा मकसद न सिर्फ अपने देश में, विदेशों में भी आयुर्वेद के उन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को पूरी तरह से जागरूक करना है कि इन प्रोडक्ट्स की एफिकेसी किसी भी 35 से कम नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो आयुर्वेद में फॉर्मुलेशंस हम लोग आज बना रहे हैं उनका विश्व स्तरीय मुकाबला भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आयुर्वेद में सदा से कहा गया कि कभी कोई साइड इफेक्ट तो होता नहीं है, बट एफिकेसी की जहाँ तक सवाल है, जो शायद ये एक जनरल परसेप्शन था कि हमारे आयुर्वेद प्रोडक्ट तुरंत का कारगर नहीं है, हम विश्वास के साथ ये बात कहते हैं कि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स के हर लाइलाज बीमारी का इलाज आयुर्वेद में है। हमारे पूर्वजों ने जो इस पैथी को, इस एसेट को हमें दिया है, हमें उसे आगे ले जाना है, विश्व स्तर पर ले जाना है। सरकार ने, गवर्नमेंट ने बहुत पहल की है और बहुत एनकरेज किया है। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में आने का हमारा मकसद ये था, यहाँ हमें सभी तरह के प्रैक्टिशनर्स के अलावा एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है, उनके साथ भी बातचीत हो रही है, वो भी जानना चाहते हैं। हमारा मकसद है उनको बताएं, अपनी बात को पुरजोर तरीके से बताएं, विद एविडेंस बताएं, और निश्चित रूप से हमें लगता है जो उत्साह है उनको भी लगता है कि ये आयुर्वेद का जो ये हमारी पद्धति है ये बहुत कामयाब है। सर, कामयाब तो है ही, क्योंकि हमारे देश की सबसे पुरानी पद्धति रही है, चिकित्सा पद्धति रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये बिलीफ फैक्टर कैसे क्रिएट होगा और लोगों को ये विश्वास कैसे होगा कि इट्स नॉट अल्टरनेट मेडिसिन, इट्स अ मेन कोर्स मेडिसिन, तो इस पर काम करने की जरूरत है, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी, हम सभी लोग इसके लिए प्रयासरत हैं, और आप विश्वास करिए कि अब इन प्रोडक्ट्स के, जो पहले शायद इतना डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, अभी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स आ रही है, हमारे जितने पैरामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, हम लोग फॉलो कर रहे हैं, राइट फ्रॉम रॉ मेटेरियल प्रोक्योरमेंट टू इवन रीचिंग टू एंड प्रोडक्ट, वी आर टेकिंग अपमोस्ट केयर, सो देयर इज एब्सोल्युटली आई मीन नो दिस थिंग इन दिस अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट। एंड finally when you tried it, not in general, when you have not many trials, you will find this product is effective, and you believe me, whenever there have been in lot of papers are being read today about products with their trial reports and other clinical trial reports, and factually giving the impression, giving the belief that yes, this is working. Great, sir. Bas chote se word mein ye jana chahta hu ki Praveg ka mission aur vision kya hai, national, desh ke liye aur देश से बाहर के लोगों के लिए भी। देखिए, जैसे एक आयुर्वेद का, चूंकि हमारा ये सब काम है, हम तो बिल्कुल इस मिशन के साथ चलते हैं कि ये पैथी
पूरे वर्ल्ड में फैले, दुनिया में फैले और हर जन जन तक ये चीज जाए कि हम इस पैथी के साथ जल्दी से जल्दी पूर्ण इलाज पा सकते हैं। बहुत खूब कहा आपने। तो आप थे के शर्मा जी जो प्रवेग के मार्केटिंग हेड हैं, बहुत भरोसा है उनको कि और उम्मीद भी है और इसमें लगे हुए भी हैं कि आयुर्वेद को इंटरनेशनल लेवल तक हम ले जाएं। उनकी इस कोशिश को हम बिल्कुल आगे बढ़ाते रहेंगे। Click on the bell icon to watch our latest videos.